हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 33। देख लीजिए इसमें क्या दे रखा है हमको। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखिए ये तो आपको पढ़ के भी समझ में आ गया होगा, ये हमारी कौन सी थ्योरम है। ऑलरेडी हम 6 चैप्टर में पढ़ चुके हैं जो कि हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या जिसको हम BPT या थेल्स थ्योरम बोलते हैं, है ना। ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी पहले भी बना दी है, ठीक है। तो चाहें तो आप चाहें तो इस चीज़ को चैनल पे जाके भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसको तो हम नहीं देखेंगे, इसके बाद देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट को क्या दे रखा है, ठीक है। पहले आप चाहो तो इसको समझ लो क्या होती है, आपको सब समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल यदि एक ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे ये हमने मान लिया ABC, और अगर यहाँ पे ये जो लाइन है जिसको नाम दे दिया फॉर एग्जांपल हमने D, तो अगर ये वाली लाइन इसके अगर पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके अगर पैरेलल है, तो ये क्या करेगा, जो अदर टू साइड है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये हमारी थ्योरम है जो ऊपर जो लिखी हुई है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं सेकंड पार्ट को सिर्फ। तो इसमें दे रखा है यूजिंग द एवव थ्योरम, आपको ऊपर वाली थ्योरम यूज करनी है। प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स एंड पैरेलल टू द बेस ऑफ द ट्रेपेजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड इन द सेम रेशियो। देखिए है ना, वर्ड थोड़े से अलग अलग है, काफ़ी आसान है, लेकिन देखिए इसमें क्या दे रखा है, इन्होंने क्या बोला है, आपको क्या प्रूव करना है कि अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल एंड पैरेलल टू द बेस ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड इन द सेम रेशियो। सबसे पहले देखिए हम एक ट्रेपेजियम बनाते हैं यहाँ पे। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या हो गया, एक ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा ABCD, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। तो इसके डायगोनल बना लेते हैं, सबसे पहले ये हो गए इसके डायगोनल, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था कि अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, ठीक है, ये डायगोनल का ये पॉइंट है इंटरसेक्शन, है ना, पैरेलल टू द बेस ऑफ ट्रेपेजियम। मान लो ये बेस हो गई इसकी, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं हम, अगर ये हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी ये वाली, ठीक है। तो डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड इन द सेम रेशियो, मतलब इसको अगर हम नाम दे दें, फॉर एग्जांपल ABCD, इसको नाम दे दिया E, इसको नाम दे दिया F, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ये वाली जो लाइन है वो इस जो नॉन पैरेलल साइड ये वाली है, ये तो पैरेलल साइड होती है, नॉन पैरेलल साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। यानी प्रूव क्या करना है आपको, AE अपॉन EB और DF अपॉन FC, ठीक है, कर सकते हैं, ईजी है। देखिए अब सबसे पहले देखिए गिवन आपको जो दे रखा है क्वेश्चन में, ये तो आप लिख ही लेंगे, है ना। प्रूव हमको क्या करना है यहाँ पे, AE अपॉन EB इक्वल टू DF अपॉन FC, ये प्रूव करना है यहाँ पे। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए अब हमको दे रखा है ऑलरेडी, देखिए EF क्या है, BC के पैरेलल है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि वो AD के पैरेलल होगी, क्योंकि देखिए ट्रेपेजियम होता है तो ये पैरेलल साइड होती है, और अगर ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे दो ट्रायंगल सपोज करते हैं यहाँ से, जिसमें हमारी ये साइड आ रही हो। जैसे हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया, हमने ट्रायंगल लिया यहाँ से ABD, ठीक है, यहाँ से हमने एक ट्रायंगल सपोज कर लिया ABD, ये हमने लिया यहाँ से, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हम नाम दे दिया इसको G, नाम दे दिया, ठीक है। तो अगर हमने ये ट्रायंगल लिया ABD, तो देखिए हम काम करेंगे प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, ABD में हम देखेंगे जो EG है, देखो EF पूरा पैरेलल है तो EG इसके पैरेलल हो जाएगा, तो जो EG पैरेलल हो जाएगा AD के, EG पैरेलल है किसके, AD के, ठीक है। तो हमने पढ़ रखा है अभी ये ट्रायंगल है, तो यदि ये इसके पैरेलल है तो भाई BPT से क्या हो जाएगा, ये साइड है क्या हो जाएगी, इक्वल रेशियो में जाएगी, है ना। सो बाय BPT से क्या हो जाएगा हमारे पास, AE अपॉन EB इक्वल टू क्या हो जाएगा, DG अपॉन GB, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया आपका इस ट्रायंगल में, इसको आप सपोज कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाली इक्वेशन की, जो कि हम लेंगे ट्रायंगल यहाँ पे, जिसमें अब हमारा DF और FC आना चाहिए। तो हमने ट्रायंगल ले लिया ये DBC, ठीक है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ट्रायंगल हमने लिया ये वाला, देखिए DBC, ये वाला ट्रायंगल हमने यहाँ पे लिया है।
तो हम काम करेंगे नाउ इन ट्रेंगल डी बी सी में, सॉरी सी में, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखिए क्या मिल रहा है आपको, जी एफ पैरेलल टू बी सी मिल रहा है, जी एफ पैरेलल टू बी सी मिल गया। तो यहाँ पे भी बाय बी पी टी से, ठीक है, ये हमने ऊपर थ्योरम ऑलरेडी है दे रखी है, ठीक है। तो बी पी टी से क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देखिए, डी जी अपॉन जी बी और डी एफ अपॉन एफ सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे डी जी अपॉन जी बी और डी एफ अपॉन एफ सी, यहाँ से हो जाएगा। चलिए इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अगर आप देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ये जो टर्म आ रही है, ये वाली देखिए, डी जी अपॉन जी बी और यहाँ से डी जी अपॉन जी बी, ये दोनों क्या है, सेम है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास क्या हो जाएगा, ए अपॉन ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, डी एफ अपॉन एफ सी। और आप देखेंगे यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, ए अपॉन ई बी और डी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है, क्योंकि यही साइड है ना इसकी, ए अपॉन ई बी और डी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है, इक्वल रेशियो आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप में आपका ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है यहाँ पे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, यदि कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।